हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि अच्छा ही होगी। दोस्तों, आज की ये वीडियो है, जब भी हम कभी कहीं जा रहे होते हैं या कहीं किसी शहर में होते हैं, देखते हैं कि गाड़ियों पर जो नंबर प्लेट्स लगी होती हैं उनका रंग कुछ अलग सा दिखता है। वैसे तो सामान्यतः आम लोगों की कारों तथा वाहनों पर लगी प्लेट्स सफ़ेद रंग की होती है और जिन पर कि काले रंग से नंबर अंकित रहता है, पर कुछ गाड़ियाँ होती हैं जिन पर प्लेट का रंग दूसरे रंग का होता है। तो वो गाड़ियाँ कौन यूज़ करता है और वो किस तरह की गाड़ियाँ होती हैं, आप आगे वीडियो में जानने वाले हैं। तो वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम है अनुराग और आप देख रहे हैं अनु इंडियन चैनल को। दोस्तों, बात करते हैं गाड़ियों के नंबर प्लेट्स की। तो जो सफ़ेद रंग की नंबर प्लेट्स होती हैं वो गाड़ियाँ पर्सनल गाड़ियाँ होती हैं और जिनका की प्रयोग कोई भी आम आदमी करता है, जिनका यूज़ कमर्शली नहीं किया जाता है। दोस्तों, बात करते हैं पीले रंग की नंबर प्लेट्स की। दोस्तों, अगर आप कहीं जा रहे हैं और किसी गाड़ी पर पीले रंग की प्लेट पर काले नंबर अंकित देखते हैं, तो यह समझ जाना चाहिए कि इन गाड़ियों का इस्तेमाल कमर्शली होता है। इस तरह की प्लेट ट्रक, टैक्सी जैसे कि ओला, उबर और बसों आदि में देखने को मिल जाता है। इसके साथ ही इन गाड़ियों को चलाने के लिए आपके पास कमर्शियली ड्राइविंग लाइसेंस भी होना ज़रूरी है। दोस्तों, बात करते हैं ऐसी गाड़ियों की जिन पर की नंबर प्लेट्स काले रंग की होती है और जिन गाड़ियों पर काले रंग की नंबर प्लेट पर पीले रंग से नंबर अंकित होता है। तो वैसे तो इन गाड़ियों का मालिक आम इंसान ही होता है, लेकिन इन गाड़ियों का प्रयोग कमर्शियली उद्देश्यों के लिए ही किया जाता है और इन्हें भी चलाने के लिए कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस होना ज़रूरी है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि कुछ गाड़ियों पर तीर वाले नंबर प्लेट लगे रहते हैं। दोस्तों, इस तरह के नंबर प्लेट वाली गाड़ियों का इस्तेमाल सेना द्वारा किया जाता है। किसी भी अन्य लाइसेंसी नंबर प्लेटों के विपरीत सेना के वाहनों के लिए एक अलग तरह की नंबर प्रणाली प्रयोग होती है। ये सैन्य वाहन के नंबर को रक्षा मंत्रालय द्वारा आवंटित किया जाता है। ऐसी गाड़ियों के नंबर प्लेट पर नंबर के या पहले या तीसरे अंक के स्थान पर ऊपर की तरफ एक तीर का निशान होता है, जिसे ब्रांड एरो बोला जाता है। तीर के बाद के पहले दो अंक उस वर्ष को दर्शाते हैं जिसमें कि सेना द्वारा वाहन को खरीदा गया होता है, और यह 11 अंकों का होता है। तो ऐसी गाड़ियाँ आपको सेना के पास में देखने को ही मिलेंगी। दोस्तों, बात करते हैं लाल रंग की नंबर प्लेट वाली गाड़ियों की। तो अगर आपने लाल रंग की नंबर प्लेट वाली गाड़ी देखी है, तो याद समझ जाना चाहिए कि ये गाड़ी भारत के राष्ट्रपति या किसी राज्य के राज्यपाल की है। दोस्तों, इन गाड़ियों में लाइसेंस नंबर की जगह पर भारत के प्रतीक चिन्ह का इस्तेमाल किया जाता है। वैसे आपको बता दें कि प्रधानमंत्री की गाड़ी जो होती है उसकी नंबर प्लेट सफ़ेद रंग की ही होती है। दोस्तों, कुछ गाड़ियों की नंबर प्लेट्स का रंग नीला होता है। दोस्तों, अगर बात करें नीले नंबर प्लेट वाली गाड़ियों की, तो ये आपको आसानी से देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि इन गाड़ियों का इस्तेमाल विदेशी प्रतिनिधियों द्वारा किया जाता है। इन नंबर प्लेटों पर प्रदेश के कोड की जगह जिस देश की गाड़ियाँ होती हैं वही का कोड अंकित होता है। इस प्रकार की नंबर प्लेट वाली गाड़ियों का प्रयोग विदेशी दूतावासों द्वारा या विदेशी राजनयिकों द्वारा किया जाता है। दोस्तों, कुछ गाड़ियाँ ऐसी होती हैं जिन पर की नंबर प्लेट्स का रंग हरा होता है। दोस्तों, हरे रंग की नंबर प्लेट्स परिवहन विभाग ने उन गाड़ियों के लिए निर्धारित किया है जो कि पूरी तरह इलेक्ट्रिक हैं और ये इलेक्ट्रिक से ही चलती हैं। दोस्तों, ये थी कुछ डिफरेंट नंबर प्लेट्स के बारे में जानकारी। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें और कमेंट भी करें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपको इसी तरह के वीडियो आगे भी मिलती रहेंगी।
दोस्तों मिलते हैं एक नई नॉलेजफुल वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।